हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. आज हम वाटर की बात करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस ह्यूमन बॉडी में क्या है और हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में वाटर हमारी क्या हेल्प करता है. सबसे पहले अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ अ सेल एंड इट्स साइटोप्लाज्म. वाटर एज अ मीडियम ऑफ लाइफ के तौर पर एक्ट करता है और ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती रहती है ह्यूमन टू ह्यूमन. अब इसकी जो मेन कंसंट्रेशन हम पढ़ते हैं दैट इज 65-89%. अब सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही इसकी कंसंट्रेशन वेरी नहीं करती, इसके डिफरेंट सेल्स में भी इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है. अगर हम बोन सेल की बात करें तो इट कंटेन अबाउट 20% वाटर. अगर हम ब्रेन सेल की बात करें तो इट कंटेन 85% वाटर. अब सबसे पहले हम वाटर की पोलर नेचर की बात करते हैं तो वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, हम सबको पता है. लेकिन वाटर पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप होती है जिसकी वजह से उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिवेलप हो जाती हैं. अब हम वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी. वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये फ्रेज हम सारों को पता है. वाई? वाटर अपने अंदर पोलर, आयनिक और नॉन पोलर सब्सटेंसेस, तीनों टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है. अगर हम पोलर सब्सटेंसेस की बात करें तो वाटर में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होते हैं. अगर हम आयनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो वो वाटर में जाते ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट कर जाते हैं और जिसकी वजह से वो रिएक्शन आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर हम नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात करें जिनमें कुछ पोलर पार्ट होता है तो वो भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं. अगर हम आप कोहेजन की बात करें तो कोहेजन इज डिफाइंड एज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. वो अब अट्रैक्शन क्यों डेवलप होती है वाटर मॉलिक्यूल्स में? दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दैट कॉजेज द वाटर टू मूव विद फ्लो विदाउट एनी ब्रेक्स. वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यूस कॉलम्स की फॉर्म एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूसली जिधर वो मूव कर रहा है वहाँ पर मूव करता जाता है. अब हम वाटर की अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज एडिशन, विच इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सर्फेस इन अलॉन्ग विच इट इज मूविंग. दैट हेल्प्स द वाटर मॉलिक्यूल्स इन क्लाइंबिंग अप. जिस सर्विस वो मूव कर रहा है उसकी वॉल्स के साथ ये अट्रैक्शन डिवेलप करेगा और कंटिन्यूसली जिस सर्विस ये मूव कर रहा है वहाँ पर मूव करता रहेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ द स्पेसिफिक हाई हीट कैपेसिटी. इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कैलरीज रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसके लिए टेम्परेचर रेंज जो है वो हमारे पास है 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड. जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हम पढ़ते हैं दैट इज 1 कैलोरीज पर ग्राम. और अगर कैलोरीज को हम जौल में कन्वर्ट करें दैट वुड बिकम 4.2 जौल पर ग्राम. ड्यू टू दिस स्पेसिफिक हीट वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर. हमारी बॉडी को टेम्परेचर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं उनसे भी वाटर अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से बचाता है. अब हम अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन. इट इज डिफाइंड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज. द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम. और इसके लिए जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर एक कूलिंग प्रोसेस जनरेट होता है. प्लांट में हम उस कूलिंग प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं और ह्यूमंस में हम उस प्रोसेस को कहते हैं स्वेटिंग. अब वाटर की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें इट इज़ द आयनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होकर एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. और एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव आयन की अगर हम आयनिक कॉन्स्टेंट की बात करें दैट इज 10⁻⁷ मोल पर लीटर. अब वाटर की अगर बात की जाए तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन अपना अलग अलग जो आयनाइजेशन कांस्टेंट रखते हैं दैट इज 10⁻⁷ मोल पर लीटर. लेकिन अगर हम कलेक्टिवली वाटर के आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें दैट इज 10⁻⁴ मोल पर लीटर. अब वाटर की अगर एक और प्रॉपर्टी की बात करें दैट इट प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन. वाटर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ कुशन. अब वाटर हमें एज ए लुब्रिकेंट गैस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर हम अपने साइनोवियल फ्लूइड को देखें जो हमारे एंड ऑफ जॉइंट्स में प्रेजेंट है तो वो हमें एट द लेवल ऑफ जॉइंट्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. अगर हम प्लूरल फ्लूइड को देखें जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तो इस तरह से भी वाटर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एज अ क्वेश्चन वाटर हमें फिजिकल ट्रॉमा से बचाता है. अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो हमारे ब्रेन को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने सराउंड किया जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सो एज अ लुब्रिकेंट वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फ्रिक्शन. एज अ क्वेश्चन वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ट्रॉमा और फिजिकल इंजरी. सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. होप यू लाइक इट. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.